Hello, this is the lecture number 15 for the chapter probability for the class 12th, and we are in the last lecture. We have done up to question number 6. Now in question number 7, a die is thrown again and again until 3 sixes are obtained. Then what is the probability that the third six is in the sixth throw of the die? Now you need a third six in a sixth throw of the die. It means you are getting two sixes in 5 throws and third 6 in 6th throw. You have to do this. So it means when you have to obtain 2 6s in a 5 throws, then n will be equal to 5, and the success here to get a 6, which is 1 upon 6, and q will be 5 upon 6, and you have to find P2. Aapko yahan pe P2 karna hai, pata karna hai, 5 throw mein 2 6s aa jaye. Now to get a third six in the sixth throw, it means you need in the sixth throw, which is a only one throw, and third six means only one six you need it. It will be 1 upon 6. That is, you are needing six in a sixth throw. That is, you are needing six in one throw, whose probability is 1 upon 6. और यहाँ पर binomial distribution से निकालिए, combination of n r p raised to power n minus p raised to power r and q raised to power n minus r, this into 1 upon 6. तो 5 throw में 2 sixes आ गई, बचा हुआ जो एक 6 है वो 6th throw में आएगा, जो कि एक throw है, and you'll get the probability of that 1 upon 6. So this is the question number 7. In question number 8, if a leap year selected at random, तो we have in leap year how many days? 366 days, and what is the chance that it will have 53 Tuesday? क्या chance है 53 Tuesday आने की? हमारे in a year we always have 52 weeks. हमारे पास 52 weeks तो होते ही हैं. That is 52 into 7. That is 364 days. Means all the days of the week will be all the days of the year must have at least 52. संडे 52 तो जरूर आएंगे ही आएंगे, मंडे भी 52 आएंगे ही आएंगे, एंड द रिमेनिंग हाउ मेनी डेज, टू डेज कैन बी, क्या हो सकते हैं वो? संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेनसडे हो सकता है, वेनसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, एंड सैटरडे संडे हो सकता है. सो देर आर 7 ऑप्शंस टू दैट दीज टू डेज कैन कम, एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 53 ट्यूजडे. इट कैन बी ट्यूजडे और मंडे और संडे, इट विल ऑलवेज सेम. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैव 53 ट्यूजडे? तो हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड इन दिस टू ऑप्शंस वी हैव ट्यूजडे. तो आउट ऑफ 7 वी हैव 2 डेज विच विल बी ट्यूजडे. सो द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 53 ट्यूजडे विल बी 2 अपॉन 7. लीप ईयर में 366 डेज, 52 वीक्स में 364 डेज होते हैं, रिमेनिंग 2 डेज कैन बी संडे. में 2 कंसेक्यूटिव डेज होंगे, संडे मंडे, मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, एंड इन दीज 7 वी हैव कमिंग 2 टाइम्स ट्यूजडे. तो 2 अपॉन 7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूजडे. हर एक साल में 52 डे, हर एक डे ऑफ द वीक तो आएगा ही आएगा. क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्सपेरिमेंट सक्सेस ट्वाइस एज फेलियर. जो सक्सेस है, जो कि पी होता है, ट्वाइस इट्स फेलियर, यह हमें गिवन है. एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज फेलियर. नाउ वी नो दैट पी इज इक्वल टू 2, सक्सेस प्लस फेलियर इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सक्सेस प्लस फेलियर ऑलवेज इक्वल टू 1. तो 2q प्लस q इज इक्वल टू 1, 3q इज इक्वल टू 1, दैट इज फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 3. तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इसकी 2 टाइम्स है, 2 अपॉन 3. तो p और q हमारे पास ही आ गया. सक्सेस ट्वाइस ऑफ फेलियर है, p प्लस q 1 होता है, p की वैल्यू हमने 2q, तो q इज 1 अपॉन 3, p इज ट्वाइस ऑफ दिस. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, नेक्स्ट 6 ट्रायल्स में एट लीस्ट 4 सक्सेस, ज्यादा से कम आपके 4 सक्सेस, ज्यादा दैट मीन्स आपको P4 प्लस P5 प्लस P6 निकालना है. P4 प्लस P5 प्लस P6 आपको
फाइंड करना है, कम से कम 4 सक्सेस आ जाएं और मैक्सिमम हमारे पास ट्रायल 6 हैं, तो P4, P5, P6, एक बार R 4 रखना है, एक बार R आपको 5 रखना है, एक बार R 6 रखना है, एंड यू हैव टू यूज द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइम्स अ मैन मस्ट टॉस अ फेयर कॉइन, तो अब की बार आपको N फाइंड करना है, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसमें गिवन है दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड मीन्स ग्रेटर इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 90%, एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 90% हो, तो इसका मतलब वी ऑलवेज लाइट P at least 1 as 1 minus P 0, हम हमेशा मैंने बताया था ऐसे ही सॉल्व करते हैं, सो यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर पी रेज टू पावर आर एंड क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर इज इक्वल टू 9/10, इसमें n आपको फाइंड करना है, इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे ये 1 आएगा, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 1/2 की पावर n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 90/109/10, ग्रेटर इक्वल टू साइन है, सो सॉल्व इट, 1 - 9/10 ग्रेटर इक्वल टू 1/2 की पावर n, ये हो जाएगा आपका 1/10 ग्रेटर इक्वल टू 1/2 की पावर n, जो कि आ गया 2 की पावर n ग्रेटर इक्वल टू 10, ये आपके आ गया। नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन दिस, नाउ इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 2 की पावर 1/2 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये फॉल्स आ जाएगा, अगर n की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो 2 की पावर 2 इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये भी फॉल्स हो गया, अगर आप n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 2 की पावर 3 विच इज 8 इट्स नॉट ग्रेटर देन, तो ये भी फॉल्स हो गया, लेकिन जैसे ही आप n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 की पावर 4 16 जो कि ग्रेटर, तो ये ट्रू आ जाएगा, क्या आ जाएगा ट्रू, 5 रखेंगे जब भी ट्रू, 6 रखेंगे जब भी ट्रू, एंड सो ऑन, जब भी एंड सो ऑन, एन की वैल्यू 4 ऑन एंड सो ऑन, तो इट मींस जब एन की वैल्यू आपकी एन या 4 या उससे ज्यादा है तो ये ट्रू हो जाएगा, तो इट मींस एन शुड बी ग्रेटर एन इक्वल टू 4, एन की वैल्यू आपकी कम से कम 4 हो, तो देयरफॉर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड एट लीस्ट 4 टाइम्स, कम से कम 4 बार तो उसको टॉस करेंगे जब इसकी ये प्रोबेबिलिटी आएगी, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज, ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, रीड इट वेरी केयरफुली, विल डू द क्वेश्चन नंबर 11 आफ्टरवर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 12 विच इज बेस्ड ऑन द बेस थ्योरम, सो वी हैव 4 बॉक्सेस ए बी सी डी और उसमें कलर्ड मार्बल्स दे रखे हैं, ठीक है, एंड इन बॉक्स ए रेड इज 1, वाइट इज 6, ब्लैक इज 3 एंड सो ऑन, इट इज गिवन, वन ऑफ द बॉक्स हैव बीन सेलेक्टेड, एक बॉक्स हमने सेलेक्ट करा, उसमें से मार्बल निकाला एंड फाउंड टू बी रेड, वो रेड था, तो रेड वाइट और ब्लैक हैं, ए बी सी डी बॉक्सेज हैं, 1, 6, 8, 0, 6, 2, 1, 6 एंड 3, 2, 1, 4, ये नंबर ऑफ बॉल्स हैं, एक बॉल निकाली वो रेड थी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो किस में से निकाली गई है, ए में से, फिर पूछ रहा है बी में से, तो सारे ऑप्शंस आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग द बेस थ्योरम, तो लेट पी एच वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स ए, तो क्या 4 में से एक बॉक्स काटेंगे, ऐसे पी एच टू क्या हो गया, Probability of selecting the box B, जो भी 1/4 है, पी एच थ्री क्या लेंगे, वी हैव 4 पार्ट्स इन दिस बेस थ्योरम, प्रॉबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द बॉक्स सी विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 एंड पी एच फोर इज द प्रॉबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग दी फ्रॉम डी विच इज ऑल्सो 1/4, ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास रेड बॉल निकालना है, तो वट इज द मीनिंग ऑफ ई अपॉन एच वन, E अपॉन एच वन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम द बॉक्स ए, तो बॉक्स ए में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 रेड है, टोटल 10 है,
तो 1/10 ये हो जाएगा 1/10। फिर उसके बाद e/h2 का क्या मतलब हो गया, e/h2 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द बॉक्स बी, बॉक्स बी में रेड बॉल कितनी है 6 और टोटल इसमें भी 10 है, 6/10। e/h3 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बॉक्स 3, बॉक्स 3 में हमारे पास 8 रेड बॉल हैं आउट ऑफ 10, 8/10। एंड e/h4 इसी तरह से कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द रेड बॉल फ्रॉम डी, डी में हमारे पास 0 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ये तो हो गया हमारे पास PH1, PH2, PH3, PH4, EH1, E/h2, E/h3, E/h4 एंड E/h2 फाइंड दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम द बॉक्स ए। तो पहले पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1/E। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ H2/E और थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ H3/E। इन ऑल पार्ट्स यू हैव टू फाइंड एंड यू नो द बेस फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला आपको पता है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज, से इट वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिए उसको। वी हैव इन प्लेस ऑफ 3 वी हैव 4 बॉक्सेस, आसानी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पार्ट इसमें क्योंकि वन ऑफ द टर्म इज 0 तो इसमें कुछ पार्ट कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इट इज। नाइन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज सेज, इट सेज दैट अज्यूम दैट द चांस ऑफ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%, पेशेंट की हार्ट अटैक होने की प्रॉबिलिटी 40% है। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट द मेडिटेशन द योगा क्लासेज रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक बाय 30%, अगर योगा क्लासेज लेता है तो उसका रिड्यूस हार्ट उसका जो है 30% रिड्यूस हो जाता है, एंड अगर वो ड्रग्स लेता है दवाइयाँ इफ इट इज टेकिंग देन इट इज रिड्यूस बाय 25%। एट ए टाइम अ पर्सन कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस, आइदर ही कैन टेक medicine or he can take yoga classes. It is given that after going through one of the two option, the patient selected random suffered a heart attack. उसको heart attack हो गया तो क्या probability है कि वो meditation और yoga classes ले रहा था। तो हमने H1 मान लिया, let probability of taking yoga classes. तो yoga class की probability लेने के chance ये दे रखे हैं, बराबर बराबर चांस है, इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/2, एंड H2 हमने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्रग्स दवाइयां ले रहा है वो 1/2। ई मान लिया हमने हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ई मान लिया हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया e/h1 का क्या मतलब हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक इफ टेकिंग योगा, योगा अगर ले रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है हार्ट अटैक होने की। तो इसमें दे रखा है व्हेन इट इज टेकिंग द योगा इट इज गिवन दैट 30% इट इज रिड्यूस, मेडिटेशन एंड योगा लेने पर हार्ट अटैक का जो चांस है 30% रिड्यूस हो जाता है। तो बी वेरी केयरफुल, 30% रिड्यूस हो जाता है इसका मतलब 70% चांसेस अभी है 40% का, 40% तो चांस था ही हार्ट अटैक का, उसमें 30% रिड्यूस हो जाता है तो 70% ऑफ 40%, तो यह जाएगा 70/100 इंटू 40/100, बी वेरी केयरफुल। नाउ e/h2 का क्या मतलब है, e/h2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक इफ टेकिंग ड्रग्स, दवाइयां जब ले रहा है, जब दवाइयां ले रहा है तो इसमें गिवन है इट इज रिड्यूस बाय 25%, 25% कम हो जाता है, तो इसका मतलब 75% चांस अभी भी है 40% का, जो कि 40% चांस था हार्ट अटैक होने का, तो 75/100 इंटू 40/100, ये हो गया e/h2। अब किसी पर्सन को हार्ट अटैक हो गया मतलब ई तो हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ही वॉज टेकिंग अ योगा, योगा को आपने क्या माना था H1 माना, तो इट मीन्स आपको H1/E निकालना है, यू हैव टू फाइंड H1/E। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13, इट इज गिवन दैट अ पर्सन कैन टेक आइदर योगा क्लासेस और यू कैन टेक ड्रग्स टू रिड्यूस द चांस ऑफ द हार्ट अटैक, एंड 40% चांस दे रखा है किसी पर्सन को हार्ट अटैक आने का, एंड अ पर्सन सफर्ड अ हार्ट अटैक एंड इट इज गिवन दैट इफ यू टेक योगा देन 30% चांस इज रिड्यूस ऑफ द हार्ट अटैक एंड इफ यू टेक ड्रग्स द 25% चांस रिड्यूस्ड। सो
आई हैव टेकन ई एज द इवेंट एज द हार्ट अटैक. तो ई अपॉन एच वन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ द हार्ट अटैक ही इज टेकिंग योगा. तो योगा लेने से 30% रिड्यूस हो जाता है चांस. तो 70% रहता है कितना टोटल 40% का, 40% चांस था हार्ट अटैक होने का. ई अपॉन एच टू का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक ही टेकिंग ड्रग्स. तो 25% कम हो जाता है, 75% स्टिल देयर ऑफ 40%. तो 75/100 × 40/100 और H1/E निकालना, जो आपको फॉर्मूला पता है, ई अपॉन एच वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच वन अपॉन बोथ ऑफ विल बी देयर, ई अपॉन एच वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच वन प्लस ई अपॉन एच टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टू. ठीक है, सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.